हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर, और आज हम एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि आपकी हेल्प के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर कोई भी पूछ बैठता है कि भाई उसकी फुल फॉर्म क्या है या उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आज हम जो SMPS है, केवल हमारा जो SMPS है, उसमें जो होने वाले जो यूज़ होने वाले जो पार्ट्स हैं, और या फिर जो अलार्म हैं, अलार्म्स हैं जिनके भी शॉर्ट्स नेम है, उनकी फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो देखिए, आप अगर कहीं जॉब लेने भी जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक मेरी वीडियो रहेगी आपके लिए। तो देखिए, सबसे जो भी हमारे जो SMPS के जो नाम लिए हैं, मैंने उठाए हैं, यानी कि जो SMPS तो है ही है, और NCB, LVD, SPD, HRC, BD, RF और KWH, DC, AC, जो भी SMPS से जो रिलेटिव जो जो नेम है, उन जो शॉर्ट फॉर्म है, उनकी फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा मैं। तो ये 10 है, तो 10 की फुल फॉर्म बताता हूँ मैं। तो सबसे पहली जो सबसे पहली हमारी जो फुल फॉर्म है उसकी बताते हैं, यानी कि जो SMPS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि हमारा SMPS है, यानी कि जो पावर प्लांट है उसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। और दूसरी पे चलते हैं, दूसरी है MCB, यानी कि मिनीचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारे SMPS में भी यूज़ होती है और काफ़ी सारी जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, फिर आती है LVD, यानी कि लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, जो कि हमारे SMPS का ही पार्ट है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं SPD, यानी कि SPD सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस, यानी कि ये भी हमारा जो SMPS में यूज़ होने वाला पार्ट्स है। फिर है HRC, HRC यानी कि हाई रुपटोरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो हमारे जो फ्यूज़ होते हैं, जो SMPS में फ्यूज़ लगे रहते हैं, उस वो है, यानी कि SMPS का ही पार्ट्स है। फिर आता है बैटरी, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज, BD यानी कि बैटरी डिस्चार्ज, जैसे कि अलार्म भी आता है हमारे पास में कि साइड पर BD चल रहा है, तो उस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज इसकी फुल फॉर्म होती है। RF यानी कि RF भी लिखा रहता है, अगर हम अपने SMPS में रेक्टिफायर का अलार्म लगाते हैं तो वहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में जो मार्क करते हैं उसको, तो RF लिख देते हैं, यानी कि रेक्टिफायर फेल, ठीक है। और फिर आता है फिर KWH, यानी कि किलो वाट हावर, ठीक है। और फिर आता है DC, यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है, यानी कि DC करंट हमारा डायरेक्ट करंट है। और फिर आता है AC, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यानी कि AC करंट, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मैं, यानी कि जो हमारा जो PIU है और जो IPMS है, जो भी फुल फॉर्म होंगी, ज़्यादा से ज़्यादातर मैं ऐसी एक एक छोटी छोटी वीडियो बना करके आपको देता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।